तो गाइस अभी मेरे को वाली काइट मिल गई है यार। गाइस बार बार पैर में लग के यार हो जाती गुस्सा आ रही है। तो इसी को मारते हट, तूने मेरी पतंगे काटी। Hey guys, welcome back to my new vlog. I hope सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज रिपब्लिक डे एंड आज बसंत पंचमी भी है, तो सभी को रिपब्लिक डे हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ छत पे। ये देखो मेरे संग एक बेचारी सी गरीब सी चरखी, मेरे को ज़्यादा पसंद है तो नहीं उड़ाना। तो देखो अभी काफ़ी पतंगे यहाँ पे उड़ रही हैं, तो अभी मैं भी उड़ाऊँगा और नॉइस भी हो रहा है नीचे। देखो यहाँ पे सामने खुदाई भी हो रही है और इधर रिपब्लिक डे है, तो ये थोड़ा आज है डेकोरेशन या फिर जो भी है, काफ़ी भीड़ है नीचे। और मैं सुबह आया तो कोई पतंग पकड़ गई, शायद आपको दिख रहा हो। तो अभी हम लोग देखो मैं तो बताऊँ, मैं आपको मेरे को ज़्यादा पसंद है नहीं, इसलिए मैं खरीद के लाता ही नहीं हूँ कभी। तो जो आती हैं तो उसी को पकड़ लेते हैं, लंबी कटती हैं उन्हीं को पकड़ लेते। देखो ये मंच जा रहा है, ये शायद आपको दिख रहा हो। तो उन्हीं को पकड़ के उन्हीं को फिर मैं उड़ाता हूँ। तो अभी इससे ये मेरी 2-3 साल पुरानी चरखी है, इसी से मैं हमेशा उड़ाता हूँ, बहुत पुरानी है। अभी देखो यहाँ पे एक पतंग मिली थी, इसे उठाते हैं फिर इसे उड़ाएंगे, इसको इधर रखते हैं। और पहले छत ये बनी नहीं थी, तो इधर बीच में काम भी चला था तो ये बन गई। अरे फटना जाए यार, फटने का नहीं। इधर एक और इधर एक और आपको दिखाएं, तो ये पड़ी है, दो है ना इधर, काफ़ी बहुत हैं, दो मेरे लिए बहुत हैं, ज़्यादा शौक है नहीं, थोड़ी देर उड़ाएंगे। और हमारा तिरंगा उधर लहरा रहा है, इधर भी है ये देखो। चलो फिर अभी उड़ाते हैं और फ़ोन को रखते हैं साइड में, ये पत्थर तो उठा लेते हैं साइड में रखेंगे, इसे जहाँ पर लोकेशन सही मिलेगी वहीं पर रख देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, फिर इसको यहाँ पर रख देते हैं ऐसे, बस भगवान की दुआ से गिरे ना बस। यह देख लें सही फिट हुआ है, हाँ सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे पास देखो ये है टेप, ठीक है, सिर्फ टेप को उंगली में रख लेंगे क्योंकि लगा लेंगे ऐसे ऐसे चीज़ पेपर भी आने वाले हैं। नहीं तो अरे बाबा, अगर उंगलियां कट गए तो क्या होगा रे मेरे बाबा, पेपर आने वाले हैं, पेपर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी पूरी तरीके से। तो चलो पहले लगा लेते हैं फिर उड़ाते हैं मज़े से, अकेले ही हैं, अकेले उड़ाएंगे तफरी काटेंगे। देखो भाई मेरे को पतंग उड़ाना आता नहीं, पहले तो बता दे मेरे को मजाक उड़ा कि ये इसे पतंग नहीं उड़ाना आता। बच गया अभी, चली यार क्योंकि इतना ही मन जाइए। लास्ट में चली ही गई। देखो भाई मेरे को सच्ची में पतंग उड़ाना आता नहीं, इसलिए मैं खरीद के भी नहीं लाता, इसीलिए उड़ाता भी नहीं ज़्यादा। चलो तो मेरी बुकन नंगी पंगी चर की ये रखी है, क्या बोल रहा हूँ असली बात है। चलो मंजा इकट्ठा करते हैं। देखो पेन लड़ाने की तो बात छोड़ ही दो, पेन नाम पेंच के नाम पे पी नहीं आता है मेरे को, मंजा कहाँ से इकट्ठा करें। पहले बहुत मंजा पड़ा रहता था, जब से छत बनी है ना तब से मंजा पता नहीं कहाँ पे है। और ये जो टावर आपको दिख रहा है ये खुला पड़ा है, इसने भाई मेरी पतंगे बहुत इसमें हिल गई हैं, तो इसको मारते ला धट 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 हट, तूने मेरी पतंगे काटी। मजाक कर रहा हूँ यार, मंजा अभी तो काफ़ी पड़ा था, हम आए थे थोड़ी देर पहले, मिल ही नहीं रहा है। तो गाइस अभी मंजा यहाँ पे भरते भरते मतलब लपेटते लपेटते यहाँ पे एक पतंग आई, उधर गिरी है और एक वो पतंग जा रही है। चलो फिर वहाँ से लेते उठाते भी यार, 3-4 पतंग आई थी तो निकल गए छोटे छोटे नहीं। अरे एक ये मंजा जा रहा है यार, मैंने देखा ही नहीं है। अरे दो पतंगे, अरे वाह, चलो एक ये मिल गया। अभी यहाँ पर चलते हैं, इधर वो पड़ी है, वो
लेते हैं, इसे उठाते हैं। ये सही है, मतलब यहाँ से आ गए, इसे उठाते हैं, यहाँ से पकड़ के इसे उठा लेते हैं फटाफट, इसे उड़ाएंगे अभी। और एक ये पड़ी है, इसे भी उधर से खींच लेंगे। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, बिल्कुल चोर तरीका घुसा है। चलो इसे सबको, इन सबको मंजे में भर लेते हैं फटाफट, मंजे के चरकी में। सो गाइस, नाउ आई हैव 1, 2, 3, 3 एंड एक उधर पड़ी है 4 kites। तो मेरे पास अभी पूरी 4 की 4 काइट हैं। देखा कैसे हम लोगों ने इतने देर में 4 मतलब पतंगे लूट ली। और ये देखो क्या बोलते हैं, मांझा भी भर लिया है। बहुत से लोग बोलेंगे ये खराब मांझा है, लूटा हुआ मांझा है, तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को सिर्फ उड़ाने से मतलब है। चलो फिर अभी उड़ाते हैं। अभी यहाँ 2-3 पतंगे निकली तो जब से हमारे काफ़ी, जो एक और आ रही है, ये देखो काली कलर की आ रही है। अभी देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है, इसे फ़ोन को रखते हैं साइड में, लग तो रही है मिल जाएगी, और देखते हैं चेक करते हैं। तो गाइस अभी मेरे को वाली काइट मिल गई है, पतंग अभी टूट गया, ये लो गाइस पोपट हो गया, अभी मिली पेड़ में फंस गई। जान दो इसे, जान दो, इसे फेंक दिया। चलो अब ये वाली उड़ाते हैं फटाफट से। चश्मा इधर रखा था, क्योंकि चश्मा लगा तो दिख भी नहीं रहा था यार कि मांझा निकल जाए। कोई बात नहीं, मेरे को उड़ानी नहीं आती इसलिए फंस गई। इधर चरखी भी सेट कर ली है, पतंग भी रेडी है, चलो इसे उड़ाते हैं फटाफट से। ओ भाई साहब यार, ये डर लगता है बच गया यार, अभी कट जाता। चलो मोबाइल को सेट करते हैं। यार गाइस बार बार पैर में लग के यार हो जाती, गुस्सा आ रही है वहाँ, मेरे को आता नहीं है यार, नहीं आता। तो गाइस पड़ोस में एक लड़का है शुभ नाम का, वो दोस्ती है मेरा, तो जरा पेन लड़ाओ। वो काटे। तो गाइस आज पहली बार काट दिए, आज की पहली पतंग। खुशी खुशी में मेरी भी कट गई, एक वाइट वाली पतंग। अरे भाई एक और आ रही है। तो गाइस अभी यहाँ पे उस वाले छत से ना उड़ा के मैं इस वाले छत से उड़ाऊंगा। यार वहाँ पे खुला है मानते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर उड़ाऊँगा मैं तो। एक ये फिर से मिल गई थी पतंग, ये भाई अपनी पुरानी वाली फट गई थी, जोड़ लिया इसे, यहीं से उड़ाएंगे। और आसमान को भी देखते हैं, सन्नाटा है आज, लेकिन हाँ भाई मस्त है। वाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग की काइट ऊपर हो गई है काफ़ी कोशिशों के बाद। ये देखो यहाँ से सीधे पता नहीं वो ऑरेंज एंड ब्लैक शायद से वाइट एंगल जब बना रहे तो शायद आपको ना दिख रहे हो, दो पतंग आए ऊपर, देखो देखो देखो। चलो अब इसे उड़ाते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं घर पर। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं नीचे आ गया हूँ, भाई साहब ऊपर मेरे साथ एक स्कैम हो गया भाई, मेरे जस्ट सामने बंदर आ गया। अब आप लोग कहेंगे सामने तो होता है बंदर, सामने होता है मानते हैं, लेकिन वो वाला सामने नहीं कि मैं मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो काफ़ी दूर खड़ा है, वो वाला नहीं, बिल्कुल पास था मेरे, वो मेरे ऊपर कूद के हमला आराम से कर सकता था, इतने पास था। तो भाई मैं तो पुतला बन गया था, और फाइनली मैं नीचे आ गया भाई फटाफट, और मज़ा भी नहीं आया था पतंग उड़ाने में। फिर मेरे को याद आया मेरा आईफोन जो था परसों पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो वो ख़राब पड़ा, तो उसकी लीड भी लीड कह रहा है यार, केबल लानी है, गांव वाली भाषा, गांव वाली नहीं, तब भी लीड लाए थे यहाँ तो देखो ये लीड लेके आए हैं, केबल मतलब 299 रुपये की बताई, बताई नहीं मतलब रेट पड़े, बताया तो मेरे को 100 रुपये की बताई, तो 90 रुपये की लाया। मैंने कहा और कम कर लो, वो कम ही नहीं कर रहे थे, क्या ही तो करें, तो 90 रुपये की पड़ी मेरे को, ले आया। पता नहीं ओरिजिनल है लोकल वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उनको चार्ज करना था इसलिए मैं ले आया फटाफट से। अब अगर ओरिजिनल होगी तो ठीक है देख लेंगे, अभी देखा नहीं तो सही से, ओरिजिनल ही नहीं वैसे 100 रुपये में कौन ओरिजिनल देता है, महंगी मिलेगी यार ओरिजिनल। चलो फिर आज के, अभी मेरे सर में भाई आज के लिए कह रहा है, और मेरे सर में इतनी तेज दर्द हो रहा है भाई बता नहीं सकता। तो मैं बना के मैंने कॉफ़ी पी है, अभी थोड़ी देर में आराम से सही हो जाएगा। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी लोग को ब्लॉग बढ़िया लगा हो। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।